अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो हमारी नई वीडियो में खुश आमदीद। और आज आपके भाई की थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग हो गई है, ठीक है, कटिंग शटिंग करवाई है, खच्छत करवाया है। तो गाड़ी का आपको पता है, वैसे ही हमने पॉलिश वगैरह करवा ली हुई है, तो आप गाड़ी की लुक चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से कितनी क्लीन लुक में है। तो आज का हमारा प्रोग्राम ये है कि इसकी जो C6 लाइटें थक्की वाली लगी हुई हैं ना, जिनको कहते हैं दिया लाइट, वो हमने चेंज कर देनी है। मैंने नई लाइट्स इसके लिए मंगवाई हैं, वो लगाते हैं, और साथ जो इसके स्प्लिटर हमने उतारे हुए हैं उनको भी आज फिट करेंगे। दोस्तों माशाल्लाह से देख सकते हैं आप गाड़ी माशाल्लाह से कितनी क्लीन है अपनी, माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा, ठीक है, और क्रिस्टल क्लियर है माशाल्लाह से, और एक स्क्रैच तक नहीं है गाड़ी पर, मतलब ना आप चेक करें। तो अभी ये वाला जो सा है, हम बम्पर खोलते हैं अपना, ये लाइटें चेंज करते हैं दोनों इसकी, ठीक है, उसके अलावा इसके स्प्लिटर इंस्टॉल करते हैं। ठीक दोस्तों, ये लाइट अपनी, तो ये इंस्टॉल करते हैं इसमें, ये रहे अपने स्प्लिटर और सामान। तो ये आपको इंस्टॉल एक करके दिखाता हूँ मैं, उसके बाद फिर आप देखें। ये दोस्तों अभी पहले इसकी आप पहले वाली लाइट देख लें कितनी इसकी थ्रो है, क्या हिसाब है, ठीक है। तो अभी चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन है इसका। सो ये देखें इसकी पुरानी वाली लाइट, इनकी क्या हालत हो गई है बैग से। अभी इसको उतारते हैं हम, ठीक है, और ये रही है हमारी, तो ये इसका यूज़र मैनुअल वगैरह साथ, ठीक है, और ये रही हमारी लाइट्स। क्वालिटी आप इनकी चेक कर सकते हैं क्या चीज़ है, तो अभी फिट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये कनेक्ट कर ली है, अभी मैं आपको इनको ऑन करके इधर दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर ये जो सा इसका टर्मिनल है इस पर टेप भी करेंगे, तो भी ऑन करता हूँ इसको, चेक कर सकते हैं आप। तो अभी इसके ऊपर टेप करते हैं, जो उससे इंस्टॉल हो गई है लाइट, आप दोनों में फ़र्क चेक कर सकते हैं, ये वाली कितनी ब्राइट है और कितनी ये वाली लो है। तो अभी यहाँ पे भी इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, और स्प्लिटर भी इंस्टॉल करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये वाली लाइट भी हमारी इंस्टॉल हो गई, ठीक है, और ये हम इसको कर देते हैं बंद, ताकि ये अगर दोबारा कभी ख़राब हो जाए तो हम इसको यूज़ कर सकें एज एमरजेंसी। तो अभी मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों चेक करें आप ब्राइटनेस गाड़ी की, पहले से बहुत ज़्यादा लाइट हो गई है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर हम सिंपल फॉग लाइट भी अगर यूज़ करें ना आम सड़क पे, तो इतना कोई इशू नहीं है। तो अभी इसके स्प्लिटर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। स्प्लिटर थोड़े से हमें काटने पड़ेंगे, लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा बाहर आ गए थे, वे सफ़र ज़रा थोड़े से साथ करके लगाएँगे। ये भी मैंने और चीज़ नोटिस की है कि पहले वाली जो लाइट थी ना, उनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा थी, इनकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ना होने के बराबर है, ठीक है। फ्रंट पे स्प्लिटर लगा के चेक किया, लेकिन वो थोड़ा सा ना आगे से ब्रेक हो गया हुआ है राइट साइड वाला ना, तो फिर वो पूरा नहीं आ रहा। तो फिर मैंने सोचा है इसी तरह ही ना जो है ना उनको कट करके तो बैक पे वन पीस लगा देते हैं, ताकि प्यारा लगे। आपको लगा के दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये इंस्टॉल कर लिया हमने, ठीक है, ये भी इंस्टॉल है, ये भी इंस्टॉल्ड है। इसी तरह ही हम दूसरी साइड पर भी इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों आज दूसरा दिन है, और अभी जो है मगरिब का टाइम हो गया, कल मुझे कोई काम था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा, तो स्प्लिटर हमारे इंस्टॉल हो गए। उसके अलावा अभी रात हो गई है, देख सकते हैं मगरिब की अजान हो चुकी है, तो मैंने कहा भी आपको रात को इसका डेमो दिखाते हैं कि क्या सीन है, कितनी लाइट है, और इसकी प्राइस वगैरह भी आपको बताता हूँ। दोस्तों लाइट हमने ऑन कर ली है, ये देखें आप, ये सिर्फ फॉग लाइट चल रही है, और आप रोशनी चेक करें कि कितनी रोशनी है, ठीक है, जस्ट फॉग लाइट चल रही है और कुछ भी नहीं चल रहा। आप देख सकते हैं कितनी दूर तक इसकी थ्रो है, ठीक है। तो रात के टाइम भी इसका बड़ा अच्छा जो उनसे है रिज़ल्ट है, तो आप देखें, मतलब पूरा हमारा जो गिराज है ना उसकी लाइट से कवर हो गया। अब मैं आपको सारी चीज़ ला कर चेक कराता हूँ, ये देखें ये बाकी हैं, ठीक है, ये फुल हैं, तो काफ़ी थ्रो है, मतलब अगर सिर्फ लो भी चलाएं हम तो काफ़ी है, और ऐसे भी चला सकते हैं अगर चलाना चाहें, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे चलाना नहीं बेहतर, आप हेडलाइट चला के तो चला सकते हैं। वैसे इसकी लाइट काफ़ी, मतलब काफ़ी थ्रो है, ये चेक करें। दोस्तों लाइटें आपने देख ली हैं, रिज़ल्ट आपने चेक कर लिया, तो अगर आप इसकी प्राइस का पूछना चाहते हैं, तो मैंने ये अपने दोस्त से मंगवाई थी जो कि रिम्पा प्लाज़ा में उनकी शॉप है,
वैसे तकरीबन इसकी 3500 रुपीज़ प्राइस है, लेकिन अगर आप मेरा नाम लेके उधर से बाय करेंगे तो आपको इंशाल्लाह डिस्काउंट भी मिलेगा। तो उसके अलावा जो है ब्राइटनेस गाड़ी की लाइट की तो माशाल्लाह से बहुत हो गई है, और स्प्लिटर आपने देख लिया जो मैंने इंस्टॉल कर दिए पीछे, तो फ्रंट के हम इंशाल्लाह नए मंगवा लेंगे। फ्रंट जो है हम नया मंगवाएंगे इसके अगले कॉर्नर दोनों, ठीक है। और स्प्लिटर आपको दिखा देता हूँ कैसे इंस्टॉल हुआ है जी। तो जैसे ये देखें स्प्लिटर हमारे, स्प्लिटर इंस्टॉल है हमारा, ठीक है। इस साइड का भी, उस साइड का भी इंस्टॉल हो गया, स्प्लिटर भी हमारे इंस्टॉल हो गए, और बाकी ऐसे ऐसे इसकी मॉडिफिकेशन आती जाएंगी, आपको दिखाते जाएंगे क्या क्या रह गया इसका। और इंशाल्लाह पॉलिश वगैरह कंपाउंड पॉलिश हमारी हो गई गाड़ी, इंटीरियर भी हमारा सेट हो गया, ठीक है। सिर्फ अब जो हमारा ट्रंक वाला सिस्टम है ना, जो वूफर वगैरह अपना लगा है, उसका सेटअप इंशाल्लाह करेंगे आजकल में। उसका एम्पलीफायर हमने कहीं और शिफ्ट करना है, देखते हैं कहाँ पर शिफ्ट करें। उसकी जो वायर है उसको भी प्रॉपर फिट करना है, और मेरा इरादा था कि जो उनसे है ना हमारा बेसर, मतलब जो है ना अपना क्या कहते हैं उसको, बेस ट्यूब जो उनसी है ना, उसका इरादा था कि वो डिग्गी के अंदर नीचे वाली साइड पर फिट की जाए। तो उसका सिनेरियो देखते हैं क्या होगा। मैं उसको फिट करना चाह रहा था नीचे, ताकि ऊपर सामान वगैरह भी आराम से हम रख सकें, क्योंकि सामान का थोड़ा सा इशू होता है अगर बॉक्स पड़ा हो ना, तो फिर तो उसका देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है। और अभी के लिए तो यही है, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट डाउन बिलो। और ये वाले जो इंडिकेटर थे हमारे वो शॉर्ट हो गए थे मार्केट में वाइट वाले, तो इंशाल्लाह वो भी आ गए हैं, वो भी इंस्टॉल करवा लेंगे इसके अंदर। और बैग जो सी है अपना ट्रंक का, और भी कुछ दो चार चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ब्लॉग भी इंशाल्लाह कॉन्स्टेंटली आते रहेंगे, वीक में 1-2-3, या इंशाल्लाह डेली ब्लॉग भी स्टार्ट कर देंगे जैसे जैसे काम कोई आता जाए। तो अल्लाह हाफिज़।